राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो संभल में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे, उनको यहां गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। परमिशन नहीं मिलने की वजह से फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो लेन है ये ब्लॉक हो गया है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप ज़रा देखेंगे तो दूर तक यहाँ पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी और यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रैफिक क्लियर हो और वो यहाँ से जा सके। देखिए मैं आपको पीछे बढ़ते हुए तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ ठीक इसी लेन में आगे बैरिगेड्स लगा करके पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा इस लेन को रोका गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है उसको रोका गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं जिनके साथ बच्चे हैं, परिवार के साथ वो यहाँ वहाँ जा रहे थे। सर कितने देर से इस जाम में? बेटी हम इस जाम में करीब करीब 1.5 घंटा हो गया और हमारी बेटी का एग्जाम है मेरठ के अंदर 1 बजे से। क्या सांसद साहब है उससे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी और बहुत सारे कांग्रेसियों से रिक्वेस्ट करी कि हमारी क्या गलती है, इस पब्लिक की क्या गलती है, हम क्यों सफर कर रहे हैं इसको। किस चीज़ का एग्जाम है सर? वो फाइनल ईयर का एग्जाम है उसका। तो क्या आप क्या करेंगे क्योंकि जाम तो लंबा है? अब पेपर छुड़वाना पड़ेगा और क्या ऑप्शन है बताओ आप? कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास दूसरा। और ये तो यहाँ राजनीति चमका रहे, दुनिया भर के ग्राउंड पड़े हैं, वहाँ जाके रोडों पर राजनीति होती है क्या? इन्होंने तो सफ़ेद कुर्ते पहन लिए पब्लिक के पैसे से और वो आके यहाँ राजनीति चमकानी शुरू कर दी। अब हम कहाँ जाएँ? हमारा हम किसकी माँ से माँ के हैं जाके बताओ सही। हमारे आगे, आगे भी पीछे तो पूरा लंबा जाम। अब तो कालिंदा कुंज तक है, वहाँ तक है ये, वो सॉरी काले का सराय तक, काले का सराय तक ऐसे ही जाम है ये। और यहाँ पहुँचने आपको 1.5 घंटे लग गए? 1.5 घंटे नहीं, 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। खड़े 1.5 घंटे से? हाँ 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। कि आम लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, इनके बेटी का 1 बजे एग्जाम है और 11:30 बज रहा है और अभी यहाँ पर ट्रैफिक खुलने का कोई नाम नहीं ले रहा और यहाँ से जाने में भी वक्त लगेगा। सर कितने देर से आप लोग यहाँ पर? 1.5 घंटा हो गया। खड़े 1.5 घंटे से? 1 घंटे एक जगह खड़े यहाँ पर। कहाँ जाना था? कुछ अर्जेंट कोई डेथ हो रखी है, वहाँ जाना था दासना के किसी परिवार में, रिश्तेदार में। कोशिश की आपने बात करने की प्रशासन? कोशिश करने को मानते नहीं है, वो LOP है, वो जाके सांसद सॉल्व उठाए ना, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, किस बात का LOP है फिर वो? सर आपका चतर सिंह मेरठ जा रहे थे दासना। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल आपको उम्मीद नहीं हमारे का, तो अब वापस ही जाना पड़ेगा। आगे जाने का रास्ता भी? रास्ता नहीं, आगे जाने का सब ब्लॉक है। तो देखिए आम लोगों को दिक्कतें हो रही है, किसी का एग्जाम है तो किसी के परिवार में किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, मृत्यु हो रहा है, ऐसे में भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। सर आप कहाँ जा रहे थे? एक फ्रेंड की मम्मी एक्सपायर हो गई, मैं वहाँ पे जा रहे हैं। अभी आप भी 1.5 घंटे से होंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम ही लोग खड़े हैं, तब से जब से ट्रैफिक जाम है। सबसे बात कर ली यहाँ पे जो प्रशासन है उनसे बात कर ली, वो हाथ खड़े करके बैठे हुए कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ये आपकी ड्यूटी है कि पब्लिक परेशान हो रही है तो सर फिर ड्यूटी छोड़ दीजिए सर, फिर आप अपने। कितने घंटे से आप यहाँ पर हैं? मैम 1.5 घंटा तकरीबन हो गया है मैं यहाँ पे खड़े हुए। सब 10 बजे से? पौने 10 आपकी क्या इमरजेंसी है? हम साथ में ही है मैम, 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, आगे रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा कैब से हैं क्या आप? तो कैब वगैरह को भी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आप लोगों का बेटा आगे ब्लॉक कर दिया है, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। पब्लिक आप देखिए किलोमीटरों के हिसाब जाम लग गया, कितनी इमरजेंसी में है, किसी को पेपर देना है, कोई किसी इमरजेंसी से जा रहा है, कोई अच्छा, आगे एम्बुलेंस और बच्चे भी फंसे, सभी पीछे मैम कई किलोमीटर तक जाम लग गया है ये। चलिए हम पीछे भी जाकर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले आए हुए हैं और ये केवल 200 मीटर हम जहाँ बैरिकेड लगा उससे आगे बढ़े हैं और लोगों की ये हालत है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है और उनका फाइनल रिचुअल्स अटेंड करने जाना है, तो किसी के परिवार में किसी का एग्जाम है और ऐसे में यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि यूपी पुलिस के द्वारा राहुल और प्रियंका गांधी को जाने से रोका जा रहा है, संभल जो पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले थे। अब देखिए यहाँ पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आपको सभी तस्वीरों में नजर आएंगे जो कई घंटों के लंबे जाम से। कहाँ जा रही हैं आप? जरा सा शीशा नीचे कर लीजिए, कहाँ जा रही हैं आप? हम तो वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार। अच्छा, को वहाँ पर कब से जाम में फंसी हैं आप? 3 घंटे हो गए। आपके साथ आप दोनों काफी बुजुर्ग हैं, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? बस ऐसे ही, परेशानी तो है ही, लेकिन हमारा तो वहाँ कोई गुजर गए ना इसलिए जा रहे हैं। किसी की डेथ, किसी की डेथ में जा रही हैं? हाँ जी। 3 घंटे से आप यहाँ पर हैं, अभी पता ना खुलना समय लगेगा अभी, और कैसे फिर क्या करना है आगे? बस फिर तो वापिस ही जाएंगे, अब तो कोई फायदा नहीं। वापिस कैसे जाएंगे? नहीं जब भी ये खुलेगा तो वहाँ तो जाने का कोई फायदा नहीं, जा पाएंगी वहाँ पर, लेट हो गया। हाँ जी, 2 बजे तक का ही प्रोग्राम होता है ना। बुजुर्ग है दोनों, जो देख सकते हैं साथ में सर भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और ऐसे में बुजुर्गों को 3-3 घंटे जाम में रुकना पड़ रहा है, बच्चों को रुकना पड़ रहा है जाम में। देखिए सबकी यही हालत है, इस यहाँ जो बैरिकेड लगाया गया है राहुल और सोनिया गांधी को जिस तरीके,
प्रियंका गांधी को जिस तरीके से रोका गया है उसके बाद लगातार जो है यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। कहाँ जा रही हैं आप लोग? सोनीपत जाना है और हमारा एग्जाम है। एग्जाम है आप लोगों का? किस चीज का एग्जाम है? बीएससी का। कितने देर से एग्जाम में आप लोग? हमें हो गया अप्रोक्स एक पौना घंटा हो गया। एक पौना घंटा हो गया और अभी तो कुछ अता पता नहीं है बैरिकेड कब खुलेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं पता। तो क्या ऑप्शन है फिर? अभी वेट कर रहे हैं। देखो अभी कोई ऑप्शन नहीं, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। और अगर गलती से नहीं टाइम तक खुलता है फिर क्या करने का सोचा है? तो रिया जाएगी, दोबारा देना पड़ेगा, साल बर्बाद होगा, डिग्री रह जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री बर्बाद हो जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगा और ना जाने कितना वक्त बर्बाद होगा। आप भी वहीं जा रही मैम? मेरा ही एग्जाम है। क्या नाम है आपका? निशा। अच्छा आप ही एग्जाम देने जा रही हैं। देखिए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनको कई घंटे के जाम की वजह से, करीब कोई 2 घंटे से जाम में है, कोई 3 घंटे से जाम है और इस जाम की वजह से एग्जाम्स लोगों के छूट रहे हैं, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। जाना कहाँ है? हम जा रहे हैं रामनगर। कितने घंटे से जाम में हैं आप? आई थिंक 90 मिनट्स हो गया, डेढ़ घंटे आए कर दो। आए ये शांत है बिल्कुल? नहीं शांत नहीं है अभी, परेशान क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में। बिल्कुल आप लोग ही कुछ करिए मैम, एटलीस्ट एक लेन भी खोल देना यहाँ से राइट में तो शायद हम निकल जाएं, बट पुलिस ने पूरा जाम किया हुआ है। कुछ अर्जेंट काम में जा रहे थे आप लोग? मैम मैरिज फंक्शन थी सुबह के, दोपहर में थी अब तो, वो तो मैरिज तो आई थिंक आई डोंट नो कितना अटेंड हो पाएगा, बट इधर 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 बाइक करना इधर आपकी, तो ये चीज थी। तो बस किसी से बात करने की आगे कोशिश की मैम? पुलिस से हमने बात किया बट दे आर लाइक एक्टिंग डेफ एंड डम, तो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर 3-3, 2-2 घंटे गाड़ियों में बैठना, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, ऐसे में बेसिक जो खाने की ज़रूरत होती है बच्चों की या पानी या फिर और भी कई नेसेसिटी है, और ऐसे में बच्चों को लेकर गाड़ी में इस तरीके से बंद कमरे में काइंड ऑफ बंद कंपार्टमेंट में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिसका जो फंक्शन था, या तो शादी हो या फिर कोई डेथ रिचुअल के लिए जा रहा हो या एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, वो तो मिस हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके से कई घंटों के जाम में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्सन राजेश मीणा जी दिखाते जाएंगे कि दूर तक यही हालात हैं, हर जगह गाड़ियों का पूरा जो काफिला है वो जाम, पूरा रास्ता ऐसा ही है। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? हम तो संभल ही जा रहे थे। संभल जा रहे थे तो कब से जाम? गाजियाबाद कोर्ट में जाना था, मुझे पता नहीं था ये पीछे रोक देते, मैं 1 घंटे से फंसा हूँ, मेरे तो अब 4 महीने बाद की डेट मिलेगी मुझे। मतलब आपका डेट गया तो 4 महीने बाद? 4 महीने के बाद गाजियाबाद डेट मिलेगी मेरे को, अगर पीछे रोक देते मैं मोहन नगर से चले जाता। अब आप मैंने कहा तो अभी पप्पू यादव मिले थे, मुझे पता भी नहीं था, मैंने सीधा सबको अभी बोला भाई आधी लाइन को बैरिकेडिंग करा दो ना, आप किसी का हार्ट पेशेंट के लिए आप अलग से कॉरिडोर बनाते हो एम्स तक, आप यहाँ भी बना दो ना, आपको 4 दिन पहले पता है आपको कितने लोग हैं, आप ये बताओ ना, किसी बच्चे का पेपर छूट गया उसको पुलिस वाले कह रहे आप गाड़ी ही छोड़ दो और वो कर लो ओला, अब कैसे गाड़ी का छोड़ गया, बच्चे का पेपर है, एनुअल एग्जाम है उसका। तो ये तो सोचना चाहिए, ना पुलिस सोच रही है ना प्रशासन सोच रहा है, सबको अपना सबको आपको भी पैसे मिल रहे हैं, इन्होंने अपना कद बनाना मेरे पॉलिटिकल नहीं, हम लोगों वो मेरे को वहाँ का चार फॉरन के वो आने हैं अभी, तब जाएंगे हम, 4 फॉरन के ये आने वाले हैं, उनकी क्लिपिंग नहीं हुई है तब जाएंगे हम, नहीं तो क्या था हो गया इनको, तो बहुत दिक्कत है, हम तो यहाँ फंसे 1.5 घंटे से, मतलब हमारा तो मेरी तो 4 महीने की बताओ अब डेट, मैं फिर आऊँगा कोर्ट जाने के लिए, कोर्ट जाना तो 4 महीने बाद टल गया, बाद की डेट मिलेगी मुझे, तो मुझे कितनी परेशानी हो रही है 1 घंटे से खड़े हुए यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं कैसा क्या कुछ था वहाँ पर? हाँ मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ। अच्छा तो अभी कितने घंटे से जाम में? 1.5-2 घंटे से जाम में। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे रोका गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, उसकी वजह से जो पूरा रास्ता है, ना केवल ये बल्कि दोनों तरफ के जो लेन हैं वो भी ब्लॉक हो गए। अब देखिए हम आगे बढ़ के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल पैक है, ऐसे में सिंगल सिंगल गाड़ियों के मुड़ने के बाद रास्ता बनेगा और उस रास्ते से धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ निकलेगी, तो इसमें अभी भी आधा घंटे का समय और लग जाना है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हैं। आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आएगा। मैडम पता नहीं अभी तो फंसे हुए हैं बीच में। तो देखिए लोग हैं जो फंसे हुए हैं, इनका काम बनेगा कि नहीं इनको खुद भी नहीं पता, काम बनेगा सर क्या लगता है? मैं तो लगभग मैडम 2 घंटे से फंसा हुआ, मैं मुंबई से आया हुआ हूँ, मेरा कुछ ऑफिस के काम के चक्कर में मुझे गाजियाबाद जाना था, लगभग 2-2.5 घंटे से फंसा हुआ, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये निकल जाए। तो आप क्या लगता है यहाँ से वापस रास्ता दिया गया आपका काम बन पाएगा? पीछे से सर्विस रोड ऑन कर दिया है तो बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही है, होप 2-3 घंटे तो बर्बाद हो गए। तो देखिए सर्विस लाइन जो दूसरा रास्ता है उसको खोला तो गया है, सर आप भी परेशान थे, आपको लगता है कि अब आपका जो काम था हो पाएगा? नहीं मैम मैं तो वापसी जा रहा हूँ घर। अच्छा, आप जा ही नहीं रहे? मैं नहीं जाऊँगा मैम अब। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो वापस
वापस घर लौट रहे हैं क्योंकि इतने लंबे जाम के बाद आधा दिन बीत चुका है। मैं आपको एक बार ना अपना टाइमिंग्स के हिसाब से दिखाती हूँ, आप ज़रा देखिए मेरा फ़ोन स्क्रीन, तो अभी बज रहे हैं 12, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, तो अभी स्क्रीन में है 12:16 और हम यहाँ पर पहुँचे हैं 10 बजे, और 10 बजे से तकरीबन 10:30 से यही हालत है। दरअसल उससे पहले से, क्योंकि यहाँ पर रोकना था तो पुलिस ने बैरिकेड्स पहले से लगा रखे थे, ऐसे में 3 घंटे नॉर्मली लोग यहाँ जो है फंसे हुए। आप लोग वापस लौट रहे, काम बनेगा अब आप लोगों का? लगता नहीं है मैम, हरिद्वार जाना था हमें बट मीटिंग के चक्कर कैंसिल हो गई मीटिंग। अच्छा, मीटिंग ही कैंसिल हो गई, नो अदर ऑप्शन ना। गवर्नमेंट लाइक अपोजिशन की पार्टी जो किया है उनको लाइक मैदान में जाके करना चाहिए था ये चीज़ें, जो ये हड़ताल की है इन्होंने, जो भी स्ट्राइक किया है उनको वापस जाके करना चाहिए मैदान में जाके, लाइक पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सर इसकी वजह से वार्स हो गए मैम, पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, लाइक हमें रूट की जाना था, मीटिंग कैंसिल हो गया, हमारा मीटिंग कैंसिल हो गई। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ये लोग ये नहीं समझ रहे कि पब्लिक कितना परेशान हो रही है, दे हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, गवर्नमेंट या तो रास्ता निकाल सकती थी, नहीं तो राहुल गांधी खुद प्लेन से भी जा सकता था, यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं सिर्फ गवर्नमेंट को मतलब पब्लिक को परेशान करने का, कुछ नहीं। वापस रास्ता दिया गया लेकिन कोई फायदा नहीं है, इट्स अ लॉस, कंप्लीट लॉस, आई हैव टू रीच बाय 11:30 एंड इट्स ऑलरेडी 12:30 हो गया, 12:30 हां या सो दे आर लाइक यूजलेस पीपल, जस्ट नीड वोट्स, नथिंग एल्स। देखिए जिनका 1 बजे का एग्जाम था वो भी अब 1 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि इस लेन से निकलने में तकरीबन 30 मिनट का समय और लगेगा, और वापस जाते जाते 1 बजे तक कहीं भी संभल पाना या पहुंच पाना मुश्किल है। और ऐसे में देखिए अभी भी मैंने जैसे आपको तस्वीरें दिखाई कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नजर आएगा पूरा लेन कवर्ड है, ये पूरा जो रास्ता है गाड़ियों से भरा हुआ है आप देखिए, और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियां यहां से निकल रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, और समय लगने की वजह से अभी भी लोगों को और 1 घंटा जाम में जो आगे खास करके गाड़ियां हैं उनको लगेगा। हम आपको आगे चलकर तस्वीर दिखा रहे हैं, हमने आपको पीछे से दिखाया जहां से गाड़ी निकलना शुरू कर चुकी थी, और आप देखिए धीरे धीरे करके सिंगल सिंगल करके गाड़ियां यहां पर निकल रही हैं और पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक है। सर क्या लगता है काम हो पाएगा अब, जो काम था आपका आप लौट रहे थे, रास्ता वापस खोल दिया गया ना पीछे? हाँ, तो अभी चले जाएंगे फिर। तो चलिए ठीक है, तो देखिए लोगों को दिक्कत है, 2-2.5 घंटे में कई लोग ऐसे हैं जिनका कंप्लीट लॉस हो गया, उनका दिन खराब हो चुका है क्योंकि जाहिर तौर पे 2-3 घंटे के बाद मीटिंग या कहीं भी पहुंचना लेट हो चुका है, और ऐसे में जिनको फ्यूनरल में जाना था, जिनको सेरेमनीज में जाने थे, शादी थी, वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है। अब लोग अपने ही घर के फंक्शन में 2-3 घंटा लेट पहुँचेंगे यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकने के लिए, जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, यूपी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और लोगों में इस बात को लेकर खासा नाराजगी भी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई घंटों का जाम, और जाम के बाद भी पीछे से मतलब कहा जाए तो लौटने का रास्ता खोला गया था। अब जहां से आए हैं अब वापस लौटिए, या तो आप घर जाइए तो दूसरे रास्ते को अख्तियार करके, ट्यूशन नहीं एज अ ऑप्शन उसको यूज किया गया, जिसकी वजह से लोग अभी भी काफी ज्यादा नाराज है। कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.